कल हमने एक वीडियो डाली थी, इससे पहले वीडियो और डाले थे, कुछ वीडियो बीच में हमने डाले क्योंकि हम नेक्स्ट डे इसको कर रहे हैं। ये फ़ोन हमने रिफेयर किया था, इसका मसला ये था कि आप मोड में चार्ज शो नहीं कर रहा था, सही है। ऑन मोड में भी कभी इंडिकेट आता कभी नहीं, कभी स्टोरेज स्टार्ट करता कभी नहीं। इसका जो UEP का मसला था वो हमने हल किया था। UEP का एक जंपर हमने लगाया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है दोबारा मैं याद दिला देते वो समा ये रख लो इसके नीचे और UEP दिखाओ कि UEP में हमने ये काम किया था। गुलफाम भाई ने उसमें एक जंपर लगाई थी और साथ में पूरा हमने समझा दिया था कि इसमें जो लोग गलती करते हैं UEP को बाईपास करने में वो इस तरह कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लाइटिंग उसामा कम कर लो और थोड़ी सी लाइटिंग कम। हाँ, ये किसी ने ये दो पॉइंट आपस में ये टच किए थे, हमने सिर्फ ये मेरे ख्याल में B2 था या A2 इस तरह कुछ था। बहरहाल वो हमने क्या कर लिया, इसके साथ जंपर कर लिया, जिससे हमारा दूसरा सर्किट ट्रिगर हो गया और काम उसने शुरू किया। तो पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो एक वीडियो पहले जाके उसको भी देख सकते हो। अच्छा, अभी इस फोन में मसला ये है ना कि ये स्लो चार्ज कर रहा है, फास्ट चार्जिंग पे नहीं जा रहा है। कल एक मरतबा 1.1 पे गया लेकिन रिटर्न आके वापस हो गया। जैसे लगाते 1.1 पे जाता है लेकिन रिटर्न आ जाता है वापस। वो दिखा दो कैमरा और हाँ, स्मार्ट चार्जर दिखने चाहिए और उसके साथ तो दूसरे जो चीज़ कनेक्ट है वो हटा दो ताकि हमें साफ पता चले। अभी ये इसके नीचे एक येलो सा निशान आ रहा है, येलो सा निशान माइक्रोस्कोप में भी दिखाएगा, लेकिन पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि फास्ट चार्जिंग पे नहीं जा रहा है। तो अभी तो चार्ज होगा लेकिन चार्ज क्या होगा, थोड़ा सी कम होगा। अच्छा, उसमें वो निशान दिखा दो वैसे माइक्रोस्कोप के नीचे, ये गुलफाम वो सेटअप कर लेगा। ये अभी चार्ज पे लगा दिया, अब थोड़ा सा अगर कर सकते हो इतना तक तो सही है लेकिन ज़्यादा आउट नहीं करना है। वहाँ भी अगर निशान, हाँ ये चार्जिंग का लोगो आ गया देख रहे हो, और थोड़ा सा इधर नीचे आ जाओगे तो ये येलो वाला निशान थोड़ा सा क्लियर करो और लाइटिंग वहाँ से अगर काम करो। पावर की दोबारा प्रेस करो क्योंकि स्लीप मोड में चला गया। हाँ थोड़ा सा नीचे, ये देख रहे हो ये निशान, इस निशान ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान सैमसंग में किया है, सही है। अभी वो स्मार्ट चार्जर भी लगाया है, वो वापस लगाओ स्मार्ट चार्जर के साथ 0.7, थोड़ा कैमरा सीधा कर लो ताकि ये नज़र आ जाए। हाँ 0.7 नज़र आ रहे, ये थोड़ा सा बुरा लगेगा उसे, थोड़ा सा कैमरा सेटअप करो ये स्मार्ट चार्जर के। हाँ चलो सर 0.7 ले रहे हैं, हालांकि इसको 1.1 से ऊपर जाना चाहिए, सही है, और 1.1 से ऊपर जाना चाहिए। अभी देखो इस फोन का मसला आगे भी हम करें, एक तो एक येलो सा निशान हमने हटाना है और दूसरा हमने क्या करना है, इसको फास्ट चार्जिंग पे ले जाना है। देखो इसके लिए आप इसका स्ट्रिप ट्राई कर सकते हो, जरा मुझे दे दो समा। ऑलरेडी इस पर स्ट्रिप वगैरह ट्राई हो चुके हैं कल के वीडियो में, बरसों के वीडियो में हमने, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। इसका ये सब PCB भी चेंज है और ये भी टोटल चेंज है। बैटरी भी आप इस पर ट्राई कर सकते हो, बैटरी से भी मसला होता है, बैटरी भी ऑलरेडी इसका ट्राई हो चुका है। दूसरा, बैटरी अगर आपका 15% या 20% से कम हो तब भी ये एरर आपका आ सकता है, सही है। प्राइमरी बात है सब PCB चेक करना है, ये स्ट्रिप चेक करना है, सही है। B2B कनेक्टर को थोड़ा सा प्रेस करके देखना है अक्सर इसमें क्या होते हैं लूजिंग, इसमें टोटल काम हो चुके हैं। और बैटरी अगर लो है तो बैटरी आपने बूस्ट करना है 20% से कम ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो पेयर मोबाइल कौन से मोड में चला जाता है, हाँ पावर सेविंग मोड में चला जाता है, तो उसी में अक्सर ये निशान हमारा शो हो जाता है। आपने देखा होगा कि 20% से आगे चला जाता है अक्सर निशान ख़त्म हो जाता है, किसी ने अगर ट्राई किया हो तो, वो सब आपने पहले करना है। अगर वो सब आपने की है इसमें वो सब ऑलरेडी हो चुके हैं, तो फिर हमने जाना है ऊपर बोर्ड में, सही है। बोर्ड में इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा माइक्रोस्कोप। और आप में से कोई एक स्टूडेंट आ जाए जो उनके हाथों से हम ये क्या कर लें, रिपेयर कर लें, सब कर सकते हो। आ जाओ आप तैयार, हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद तैयार भाई को हमने इसलिए बुला लिया ना कि एक तो इसकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है इसका पाँव क्या हो गया, जख्मी हो गया है यहाँ आने से पहले, लेकिन इसकी कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा है। तो तब भी क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है, चढ़ना भी पड़ता है ना, क्योंकि हमारा तीसरा फ्लोर है वैसे तो लग रहा है दूसरा फ्लोर लेकिन है तीसरा फ्लोर, क्योंकि एक बेसमेंट भी है। तो उसकी कुर्बानी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ से उतर जाना ऊपर नमाज के लिए चढ़ना, ये नीचे आना, कुर्बानी के बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अगर जख्म हो तो साथ में भी बुखार भी होगा,
सही है, और कुर्बानी भी इसकी ज्यादा है। एक तो वजह यह है कि इनकी कुर्बानी ज्यादा है, दूसरी वजह यह है ना मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट जो लोग करते हैं ना, तो अक्सर मेरा दिल ये ख्वाहिश होता है कि इस इंसान से मैं मिल लूँ। उनमें से एक मोहम्मद ताहिर है जो बहुत अच्छे कमेंट मेरे लिए करता है, तो इसके कमेंट के लिए एक बार तालियां हो जाए। मोहम्मद ताहिर के नाम से इनका आईडी है, आप देखो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो आप में भी से होंगे, मेरे वीडियो देखते लेकिन कमेंट नहीं करते। आप कमेंट से करते हैं? अच्छा कमेंट से हमें कौन सा है? अच्छा महोत्सव है, बहुत कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते, तसल्ली मिल जाती है। सही। अच्छा मोहम्मद ताहिर थोड़ा सा अपना तारुफ करो। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर सलीम है और चिन्यौर से मेरा तल्लक तकरीबन 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, और चिन्यौर में कहाँ शॉप नाम कहाँ पे है? आशर मोबाइल के नाम से है और ये है जुमरा रोड पर। अच्छा, यासीन कोलो के पास। अच्छा, आ जाओ बैठ जाओ। ये अभी हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या है कि तो कंपोनेंट्स तो पड़े ना, कंपोनेंट्स टोटल हो गए, आईसी हमारे कम हो गए, सही है, थोड़े से कम और लेकिन कंपोनेंट्स हमारे टोटल हो गए माशाल्लाह, किसी ने लोगों भी बनाए। हाँ, यहाँ से शुरू करके थे तो मेरा और भी बेस्ट होता माशाल्लाह। अच्छा जी, स्टूडेंट काम कर रहे हैं मतलब लगे हुए। इसका डायग्राम ओपन किया है यहाँ से। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें ना कि चार्जिंग सेक्शन में इन्होंने हमारे लिए कौन कौन से लाइनें दी है, इसमें चार्जिंग सेक्शन में ये कह रहा है कि इस जो आपने ये डायग्राम ओपन किया है, एक तो हमने वीबस लाइन को ओपन किया है, वीबस लाइन 5 वोल्ट वाला, सही है, इसमें तो कोई मसला है नहीं क्योंकि कल हमने इसको क्या कर लिया है, चेक कर लिया। चलो थोड़ा सा मैं पिन ऐड कर लेता हूँ, पिन ऐड करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा जी, देखो जो भी डायग्राम हम ओपन करते हैं ना, आपको बताया था कि सबसे पहले आपने देखना है कि इन्होंने इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें मार्क की है। हम इससे हमें ये फायदा होता है कि इस चीज़ से हमारा जो मसला है वो हल हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देख ले यहाँ पे, तो इन्होंने हमारे लिए मार्क की है कुछ लाइनें। इस लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कौन सा कलर सेलेक्ट कर लो, ब्लैक सही रहेगा या रेड? ब्लैक सही है। अच्छा जी, चलो यहाँ पे देखो इन्होंने हमारे लिए वीबस लाइन को क्या कर लिया है, मार्क किया है। वीबस लाइन हमने इसके पहले वीडियो में इसका क्लियर किया है, वो सीधा आईसी में भी जा रहे हैं और हमारे दूसरे सर्किट में भी ट्रिगर के लिए जा रहे हैं। ये लाइन तो हमारा क्या है, ओके है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। अच्छा, 0.7 एम्पेयर ले रहा है, 0.7। देखो जब भी आप इस तरह करो ना, पहले उसमें चांटी करो किस इस टीम में से हमने किस किस खिलाड़ी को क्या करना है और मैदान में भेजना है और किसको हटाना है। सबसे पहले अपनी टीम का इंतखाब तो कर लो ना, सही है। तो इसमें से सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, जो हमने चेक नहीं करना उनको साइड पे कर लेंगे, कचरा कचरा साइड पे कर लेंगे। अच्छा, ये 0.7 हमारा मोबाइल अगर देखे तो स्लो चार्जिंग तो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बैटरी टर्मिनल पे हमारी जो है ना वो कनेक्टिंग सही है, बैटरी टर्मिनल और चार्जिंग आईसी का कनेक्टिंग आपस में ओके है। ये जो आईसी है इसका बैटरी टर्मिनल तक ये जो कनेक्शन है ये क्या है, ओके है, क्योंकि 0.7 तो ले रहे, अगर ये कनेक्शन में कोई मसला होता तो ये भी नहीं लेता, तो इससे हम अंदाजा होता है कि वीबेट लाइन भी हमारा क्या है, ओके, पून हमारा पूरा ऑन हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा वीबेट लाइन भी क्या है, क्योंकि अगर वीबेट खराब होता तो फिर फोन या तो रिस्टार्टिंग करता या लोगों आके गायब करता या बिल्कुल ऑन ही नहीं होता, ये तो ओके है। अभी देखो हमारे पास सिर्फ रह गए 4 लाइनें, इन 4 लाइनों को हम चेक करने वाले हैं। एक लाइन हमारे पास DN है, डेटा नेगेटिव, कभी DM होगा डेटा माइनस, सही है, DP और DN, DN मतलब डेटा नेगेटिव USB, और दूसरा लाइन हो गया हमारे पास डेटा पॉजिटिव। अभी इसमें जो है ना CC1 CC2, सही, कॉमन करेक्टर 1 कॉमन करेक्टर 2, ये हमारे 2 लाइन है जो कि आपने नाम सुना होगा RX TX, नाम सुना है? देखो इस लाइन से हमारे फास्ट चार्जिंग के मसले नहीं हो सकते इन दोनों से, इससे और इससे, लेकिन अगर ये लाइन शार्ट हो गया, बीप देने लगा और ये लाइन बीप देने लगा तो हमारा मोबाइल फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा, क्योंकि टाइम सी इनके मदद से जो है ना पास डाटा और फास्ट चार्जिंग पे चला जाता है। तो ये 3 नंबर लाइन हमें ये भी चेक करना होगा और 4 नंबर लाइन ये भी चेक करना होगा, समझ में आ गया? हमें सिर्फ 4 लाइनों को क्या करना है, चेक करना है। वीबस तो सही है क्योंकि चार्ज का निशान भी आ रहा है, सब कुछ ओके है, बैटरी टर्मिनल भी आ रहा है, VPH भी सही है। अभी सबसे पहले मुझे DP और DN चेक करना होगा, उसके बाद CC1 और CC2 को, यहाँ तक समझ में आ गए? तो चलो हम DP और DN को क्या करते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या मसला। इसमें हमारे वोल्टेज भी चेक करेंगे और कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मोहम्मद ताहिर भाई अभी सबसे पहले अपने GR लेना है यहाँ पे,
इन चारों का कूल टेस्टिंग कर लो। ये अभी आप कनेक्टर हटाओगे ना, कनेक्टर हटाने के बाद यहाँ पे एक हमारा डीपी लाइन है, एक नंबर और तीन नंबर, और दो और चार हमारे के सीसी वन और सीसी टू, सीसी वन सीसी टू आगे फिर भी हम पढ़ेंगे, ये दोनों डीपी डीएम भी पढ़ेंगे। ये चार लाइन हमने चेक कर लेंगे, लाइन इस साइड से जो ना ये पहला और तीसरा, फिर ये दूसरा और चौथा, हाँ नीचे से दोनों और ऊपर से दोनों, नीचे से दोनों और ऊपर से दोनों। अच्छा जी, यहाँ पे माइक्रोस्कोप थोड़ा सा नीचे, तैयार भाई हाँ यहाँ पे देख लो पीछे, हाँ उसामा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको, हाँ नहीं यहाँ से नहीं ऊपर से लाइट ऊपर, हाँ ये और लाइटिंग अगर थोड़ी कम हो जाए तो बेहतर रहेगा, ये लाइट अगर थोड़ा कम हो जाए ना, हाँ अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो बस। अभी देखो सबसे पहले मैं बता रही, ये नीचे वाले पॉइंटों का जी आर ले लो, इन दोनों भी सेम जी आर आना चाहिए, सेम जी आर, अगर सेम जी आर ना हो तो फिर हम इसमें काम करेंगे। कितना है 742, कैमरा में नजर आ रहे हैं, चलो वो पास वाला चेक कर लो 747, सही ये दोनों सही। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे एक कमेंट आया था ना, एक स्टूडेंट को, आप में से किसी स्टूडेंट को मैंने बिठाया था, उसने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस है 7 साल का, एक ने कमेंट किया कि इसे तो प्रॉप सही नहीं लग रहे, हाथ हिल रहे, हाँ हाथ हिल रहे, तो इसका 7 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, सही है। मेरा दिल चाहा कि मैं उसको कमेंट करूँ कि आप आके सामने बैठ जाओ फिर पता लगेगा, पाकिस्तान के कितने कारीगर सामने बैठे हैं, हाँ 50 से 55 कारीगर सामने बैठे हैं, ऊपर से जो है ना यहाँ पे हमारा जो है ना टेबल अलग होता है, ऊपर से हम खड़े होते हैं, कैमरा लगा होता है, तो हर एक का अपना अपना क्या होता है प्रेशर होता है, सही है। तो इस तरह कमेंट से क्या करें गुजारे, फिर मैंने कहा चलो उसको बोला आप अच्छा कर रहे हो भाई, आप अच्छे हो हम क्या है बुरे, सही है। उसको कमेंट का जवाब वैसे नहीं दिया, मैंने कहा ये भी बुरा कहे और हम भी बुरा कहे तो मेरे और इसमें क्या फर्क रहेगा, मैंने उसको कहा जी बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं सही कह रहे, अच्छा तो इस तरह कमेंट न किए, अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते, तो हौसला कम भी नहीं कर, और जो भी कर रहे हैं तो हम चैलेंज करते हैं आके हमारे सामने यहाँ पे बैठ के करके दिखाओ कि हाथ हिलते हैं कि नहीं, सही है। अच्छा जी हाँ चलो जी, अभी ये ऊपर वाला दोनों भी चेक कर लो, तो माशाल्लाह मोहम्मद ताहिर सही रख रहा है, लेकिन वो जो कमेंट याद आ गया तो आवाजात करनी चाहिए। यहाँ पे देखो कितना है 684, पास में चेक कर लो ये इसके पास वाला, हाँ 651, इन दोनों पे सेम जरूरी नहीं है, लेकिन नीचे दोनों पे सेम जरूरी है, ये वाला सेम है, चलो वो तो ओके जी आ रहा है, नीचे दोनों पे दोबारा जरा ट्राई कर लो, नोट किया था आपने कितना कितना था 547, हाँ 747, इस पे चेक कर लो पास वाले, ये पास वाले भी चेक, 742 और 748, सही है तकरीबन क्या है ये लाइनों पे सब पे हमारी जी आर ओके है। अभी देखते हैं आगे, हार्ट टेस्टिंग करें, देखो जी आर तो हमारा ओके है, चारों लाइनों पे हमारा जी आर ओके है, अभी इससे आगे हम चेक करेंगे इसके हार्ट टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग इसी करेंगे ना। देखो ये जो डीपीडीएम और ये वाले लाइन होते हैं ना, ये हमारे लॉजिक लो लॉजिक हाई वाले फार्मूले पे काम करता है, याद है लॉजिक लो लॉजिक हाई हर एक लाइन का लॉजिक लो लॉजिक हाई हम कहते हैं कि 1.8 और 0 1.8 और 0 लेकिन हर एक लाइन का क्या होता है अलग अलग होता है अब ये लॉजिक लो होगा तो इसमें कुछ वोल्टेज होगा, कुछ माइक्रो वोल्टेज होगा, जिससे 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, ये कुछ माइक्रो वोल्टेज 0.3 से कम होगा, सही है, कुछ माइक्रो वोल्टेज इसमें होंगे, लेकिन जब ये लॉजिक हाई हो जाएगा तो 2.5 तक जा सकते हैं, सही है, 2.5 के दरमियान, 0.3 से लेकर 4.5 के दरमियान ये हमारा लॉजिक हाई होगा। अभी कैसे करेंगे, हम इस स्पून के साथ चार्ज लगाएंगे, देखो ये कौन से फार्मूले पे काम करता है, लॉजिक लो और लॉजिक हाई, अभी इसके साथ हम चार्ज लगाएंगे, तो चार्ज लगाएंगे तो जरूरी बात है स्ट्रिप को हमें लगाना पड़ेगा, तो फिर हम चेक नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को फॉलो करेंगे, डीपी और डीएम को पहले चेक करते हैं, फिर इन दोनों को चेक करते हैं,
देखो ये डीपीडीएम लाइन हम फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं, इसको हम चेक कर रहे हैं। ये देखो ये दो लाइने आ रहे हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए ना ये हम वहां से चार्जर सिर्फ कनेक्ट करेंगे, सिर्फ चार्जर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। सही है, वोल्टेज कितना बनेगा 0.3 से लेकर 2. इस बीच में हमारे वोल्टेज ये होना चाहिए। लॉजिक लो पे है तो लॉजिक हाई पे होना चाहिए। अगर पहले से ये वोल्टेज मौजूद है, हमने फोन ऑन किया, बैटरी लगा के यहाँ पे चेक किया, पहले से यहाँ पे वोल्टेज है तो चार्ज लगाने के बाद क्या हो जाएंगे, डाउन। अगर पहले से नहीं है तो इस पे वोल्टेज, लॉजिक लो लॉजिक हाई का मतलब ये है बैटरी लगाओ, फोन ऑन करो, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लो कि वोल्टेज है कि नहीं। अगर वोल्टेज है तो चार्ज लगाने के बाद क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ जी, नहीं समझे, समझ गए। चलो एक मरतबा हाँ बैटरी लगा के चेक कर लो कि ये लॉजिक लो है कि लॉजिक हाई है, पहले तो ये चेक करना जरूरी है ना। चलो उमूमन ये लॉजिक लो होते हैं। हाँ स्ट्रिप भी लगाओ, ऑन कर लो। इसका स्ट्रिप थोड़ा इस तरह होता है ना कि इसको अगर हम करें तो ये बैटरी इसका निकल जाती है, बहरहाल थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फोन को ऑन कर लो, ये बैटरी इसकी थोड़ी सी बिल्कुल होती है, माइक्रोस्कोप में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल इसका होता है क्योंकि बैटरी इस तरह फोल्ड करेंगे तो बैटरी निकल जाएगी इसकी। सही है, और बीच में कोई और कोशिश करो, अगर इस तरह फोल्ड हो जाए तो इसका बैटरी लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले आपको बता दें ये क्या है, बहुत मुश्किल क्योंकि इसका स्ट्रिप बहुत वो कम है। सिर्फ स्ट्रिप लगा लो और इस तरह फोल्ड करके वोल्टेज चेक कर लो, हम देखेंगे कि इस पे वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं। मीटर को 20 डीसी भी कर ले, चार्जर के साथ। हाँ चार्जर लगा लो, चार्जर लगा लो, हमें इस पे देखते हैं कि वोल्टेज अगर आ गए तो मतलब ये लॉजिक लो था हाई होगा, अगर वोल्टेज नहीं आए तो हम हाँ फिर बैटरी लगा के चेक करेंगे। लेकिन अक्सर उमूमन 80% या 90% में ये लॉजिक लो से हाई होता है। अच्छा थोड़ा सा हाँ और उसामा क्लियर करो यहाँ पे, ये अभी बैक साइड है जी भी का। अच्छा अब पहले अपना सेटअप करो, फिर ऊपर कैमरे से हाँ हमें नजर नहीं आ रहे कौन से रजिस्टर है। ये सामने जंपर लगे, जंपर लगे, यस सर। किसने अटा के जंपर किया, बहरहाल इसको ये कम वैल्यू के होते हैं, हम जंपर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सही है, इसको हम जंपर कर सकते हैं। ये जो रजिस्टर ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं, टीवीएस भी यहाँ पे दो लगे होते हैं, एक निकाला गया। अभी प्रॉप उल्टा करो क्योंकि हार्ड टेस्टिंग है ना, और साउंड भी बंद किया जाए, फुल फॉर्म साउंड बंद कर लो। अभी आपने देखना है चार्जर लगा दिया जी सर, यहाँ पे वोल्टेज देख लो, यहाँ पे 0.7 वोल्ट से क्या ऊपर, हाँ चला गया। दूसरे पे चेक कर लो, 0.5 नहीं है, 0.1 कुछ भी नहीं आ रहे। सही है, तो इस लाइन में देखो सिर्फ कूल टेस्टिंग से हम फैसला नहीं कर सकते, हार्ड टेस्टिंग में भी हमें चेक करना पड़ेगा। अभी एक पे वोल्टेज आ रहे हैं, दूसरे पे वोल्टेज नहीं आ रहे। सही है, अभी हम देखेंगे पीछे कि इस लाइन पे नहीं आ रहा था या इस पे, ये वाला है जो येलो कलर है, ये येलो कलर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा है, डीएन, देख रहे हो येलो कलर हमारा डीएन, तो डीएन पे हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे, इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो मसला हमारा यही सी ही है। एक पे कितने वोल्टेज आ रहे थे, हाँ 1.1 के करीब चला गया, ये तो सही है क्योंकि 0.3 से 2.5 के दरमियान आ सकते हैं, लेकिन इस पे कितने आ रहे, 0.1। अच्छा 1516 आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, अगर इस पे इतना आ रहा है तो इस पे भी इतना ही आना चाहिए, ये कम से कम इस पे 1 आ रहा है तो इस पे हाँ 1.5 आ जाए तो फिर भी हम कहते हैं कि सही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अभी हमें सिंपल सा इस लाइन को क्या करना है, फॉलो करना है, ये लाइन हमारे चार कहाँ पे जा रहे हैं देखते हैं, ये येलो कलर का लाइन है, ये सीधा हमारे आ रहे पीएम, और पीएम से देखो डीपीडीएम का पीएम से कोई वास्ता नहीं है, पीएम सिर्फ इसमें वोल्टेज इन कर रहे हैं, बाकी ये पीएम से होके कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में, देख रहे हो,
इसके जो है ना डीपीडीएम लाइन के हमारे चार या पांच सर्किट बनते हैं, वो सारे इंशाल्लाह चार्जिंग सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे बेहतरीन सर्किट क्या है, कौन से सर्किट को हम बाईपास कर सकते हैं और कौन से का किस तरह हम जुगाड़ निकाल सकते हैं। ये उनमें से एक सर्किट है। देखो डीपीडीएम का हमारी पीएम से, ये पीएम नहीं है, कौन सा इसे पहचान कैसे, इसके पास क्या लगा है, वीवीपीएच वाला कॉइल लगा है। तो और चार्जिंग वाले लाइन देख रहे हो, वो भी इसमें इन हुआ है। और ये मेन पीएम से क्या है, साइज में छोटा है। अभी देखो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो डीपीडीएम तो हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए होता है, उसका डीसी टू डीसी से क्या लेना देना, लेकिन ये बीच में सेफ्टी के लिए लगाई गई है, सेफ्टी के लिए। और इसे फुल ऑफ किया जाएगा, इसमें वोल्टेज दिया जाएगा, हालांकि ये मेन जाएगी सीपीयू में। अभी मसला तो इसमें है, सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रिबाल करेंगे, हिट करेंगे या चेंज करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमने इसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, सही है, बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, हमने इस लाइन का मसला भी हल करना है और इसको भी टच नहीं करना। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्राई है, वो सिर्फ हम ट्राई कर सकते हैं। वो ट्राई हम कैसे करेंगे, देखो हमारा जो डाटा जाती है ना, जो डाटा जाती है असल में डीपीडीएम तो पास चार्जिंग के लिए भी होते हैं, लेकिन इसमें डाटा जाती है, डाटा जाती है मिसाल। तो ये डाटा का स्पीड अगर हमने बढ़ाना हो तो हमें इसमें वोल्टेज देना पड़ेगा। ये दो लाइन है, एक है डीपी और एक है डीएन। इसमें जो डाटा जा रहे हैं ना, ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी अगर हमने स्पीड बढ़ाना हो, फ्रिक्वेंसी याद है ना, खुद नहीं जा सकते, उसके ऊपर बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें डाटा को बिठाना पड़ेगा किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, तभी जाके जो है ना हाई स्पीड से वहाँ पे चला जाएगा, सही है। अगर डाटा वहां से लेना हो यहाँ से लेना हो टोटल, तो इसके लिए हमें वोल्टेज यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी इस लाइन में तो जी आर है, जी आर है मतलब ये कि कनेक्टिंग सही है, सही है। इसको हम ड्रिल भी नहीं से कर सकते क्योंकि डीसी टू डीसी क्रिस्टल है, इसी के जहन में इस तरह भी आ सकता है, ड्रिल करके क्या कर ले, जंपर सीधा लगा ले, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इस लाइन पे वोल्टेज आ रहा है कितना, 1.1, और तभी जाके जो है ना हमारा डाटा जल्दी जल्दी जा रहा है। लेकिन इसमें वोल्टेज नहीं है तो वो बेचारा नहीं जा सकता, सही है, कभी जाके जो है ना बैठ जाता है, कहीं जाके बैठ जाता है, और वोल्टेज क्या हो रहा है, चार्ज स्लो हो रहा है। ये मैं आपको सिंपल सा मिसाल दे रहा हूँ। अभी हमने इस लाइन में क्या करना है, वोल्टेज इंजेक्ट करना है, कहीं से भी जो है ना वोल्टेज उठा के हम 1.1 1.2 इस तरह वोल्टेज उठा के इसमें इंजेक्ट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इसको सवारी मिल जाएगी, जो हमारा डाटा है वो सीधा जाएगा फुल स्पीड से जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा ताकत दे रहे हैं हमने, तो ये कहीं से भी दे सकते हैं। और अगर हम सोचे तो हमारे पास ऑलरेडी ये वोल्टेज इस लाइन पे है, तो उसी से उठा के क्या कर लेंगे, इसी में दे देंगे सैंपल सर, सही है। तो इसके लिए सबसे सेफ वे ये है कि हम एक लाइन को अगर हमने फुल ऑफ करना है तो किस चीज से कर सकते हैं, रेजिस्टर से कर सकते हैं, रेजिस्टर से कर सकते हैं। एक लाइन को अगर हमने फुल ऑफ करवाया है तो किस चीज से कर सकते हैं, उसके लिए हमें फुल ऑफ रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, सही है। तो एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि सिंपल सा जंपर लगा लें। अगर जंपर लगा लेंगे ना तो फिर क्या होगा, यूएसबी काम नहीं करेगा, काम नहीं, लेकिन हमारा ये काम हो सकता है, सही है। अगर लेकिन अगर इसको हम फुल ऑफ कर ले तो हो सकता है हमारे यूएसबी कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाए और काम कर ले, सही है। तो कौन सा कर ले, जंपर कर ले। हाँ जी क्या करे, फुल अप करे, चलो फुल अप रजिस्टर टूट। हमारे पास स्क्रैप में कौन सा बोर्ड है बताओ, चलो हमारे पास स्क्रैप में कौन सा बोर्ड है बताओ। हाँ जी स्क्रैप में कौन सा बोर्ड है बताओ, किसके पास है स्क्रैप में बोर्ड, देखो नंबर मुझे बताओ। देखो अभी फुल अप रजिस्टर मुझे कैसे ढूंढना है, देख लो, नहीं अच्छा चलो, ये एक फोन हमारे पास पड़ा है, मॉडल मुझे बताओ, ये बिल्कुल स्क्रैप में पड़ा है, जी 532F। देखो आप ढूंढ, आप देख लो कि मैं फुल अप रजिस्टर कैसे ढूंढता हूँ, देख लो ये तरीका भी तो सीखना है। ये ट्राई पहले कभी किया है किसी ने, अच्छा जी 500 कौन सा था, जी 532 है, देख लो मिल जाए बता देना।
ये 30 हो गया, 32 एफ नहीं है, बारह सीधे से काम चलाएंगे। अच्छा, ये हम हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं। हमारी टच के लाइन में फुल अप रजिस्टर लगाया जाता है, बताया था ना, फुल अप रजिस्टर जो आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो मैं सिंपल सा टच वाला लाइन ओपन करता हूँ, टच वाला लाइन मैंने ओपन कर लिया, अभी देखते हैं। हर एक फोन के जो टच की लाइन में फुल अप नहीं होता, कहीं से भी फुल अप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ कुछ में हमें मिल जाते हैं। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं, हमें एक फुल अप रजिस्टर चाहिए। अच्छा, अगर नहीं है तो उसका वैल्यू मालूम करके कहीं से भी हम वो देख सकते हैं। हाँ, ज्यादातर 2 या 3.3 के का हो सकता है। INT लाइन याद है, आपको बोला था ये लाइन है, ये लाइन हमारा देख रहे हो TSP INT, देखते हैं। हाँ, इस लाइन में तो नहीं लगा है, लेकिन ये वाला लाइन अगर आप देख लो ना, ये हमारे वोल्टेज के लाइन हमेशा रेड कलर में होते हैं। अभी इस लाइन पे जो है ना वोल्टेज नहीं है, ये तो इन्होंने एक 2.2 के का रजिस्टर लगा के क्या कर लिया है, इसको फुल अप किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, येलो को रेड से क्या कर लिया है, फुल अप किया गया, देख रहे हो। और रजिस्टर कितने का है, 2.2 के का। आप मोहम्मद ताहिर भाई देख लो कि CPO के पास यहाँ पे ये रजिस्टर है कि नहीं, अगर नहीं है तो कहीं से भी 2.2 के रजिस्टर हम उठा के लगा सकते हैं। ये नॉर्मल रजिस्टर होता है ना। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा जो है ना I2C प्रोटोकॉल का डाटा का लाइन है, डाटा का, इसमें वोल्टेज नहीं होते क्योंकि CPO के पास अपना कोई वोल्टेज नहीं है। इन्होंने कितने 1.8 वोल्टेज की लाइन से क्या कर लिया है, और ये 1.8 वोल्टेज कहाँ से आएगा, PM से। CPO के पास अपने कोई वोल्टेज नहीं है और ये लाइन CPO से कनेक्ट है। तो अभी इस लाइन को इन्होंने फुल ऑफ करना है, 1.8 देना है। तो आगे से एक और लाइन अगर यहाँ तक लेके आएगा तो कंपनी का खर्चा ज्यादा होगा कि नहीं। इन्होंने इसलिए क्या कर लिया है कि फुल ऑफ रजिस्टर लगा के काम किया है, लाइनिंग भी कम, वक्त भी बचत और स्पीड भी ज्यादा, कंपनी का खर्चा भी कम। अच्छा, यहाँ पे दिखाओ, शायद अक्सर फोनों से हमने निकाला है, अगर हमारे पास फोन है तो लगा हुआ था। अच्छा, फिर तो सही है। ये CPO दिखाओ थोड़ा सा, उधर उस साइड में कर लो, होता है वो दूसरा वाला हटा लो, ये वाला हटा लो, जो स्क्रैप बोर्ड आपके पास है उसमें देख लो, जो स्क्रैप बोर्ड आपके पास है, आपको ये नजर आ रहा है CPU वाले साइड, उसामा थोड़ा क्लियर भी कर लो इसका, नीचे वाला उसमत नीचे वाला। अच्छा, ये जो CPU, हाँ यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा वहाँ पे दोबारा हम जाते हैं, देखते हैं थोड़ा सा उसको जूम आउट करते हैं, तभी तो जाके जो है ना सही अंदाजा हमें हो जाएगा। ये वाला रजिस्टर इसके पास जो दूसरा आप कह रहे हो, ये भी 2.2 के है। हाँ, ये भी 2, ये देख रहे हो, ये भी 2.2 के है, और ये भी, ये इस लाइन को फुल अप कर रहा है और ये इस लाइन को। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखो, ये DC to DC IC लगे हुए है, देख रहे हो, DC to DC के ऊपर यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। तस्वीर कह दो शिदात भाई, शिदात भाई है ही नहीं, मार्केट में गायब है। अच्छा जी, मॉडल थोड़ा चेंज है सर, मॉडल चेंज है, सही टाइम पे सही आवाज लगाया इसने। ये रख लो, लोकेशन मालूम हो गई, यस सर। DC to DC की तरफ, ये हो गया हमारे DC to DC, किधर गए, नहीं ये, ये DC to DC है और इसके पास यहाँ पे ये एक ये है और एक ये है। इसको जरा मीटर से भी कंफर्म कर लो, मीटर को 2.2 है तो 20 के पे रख लो। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइड पे रख लो, रजिस्टर चिकन यार है। अच्छा, अभी देखते हैं ये वाला मौत तैर, ये वाला हाँ माइक्रोस्कोप में देखे, अभी इसको चेक कर लो। अच्छा, ओ हम थोड़ा सा बढ़ाओ, ओ सामान इस तरह रखो, 20 के कम कर लो, हाँ ऊपर करते जाओ, करते जाओ, नहीं ये नहीं है, 10 के में नहीं चाहिए, 7 वाला चेक कर लो, हाँ उस समय घुमाते जाओ,
हाँ जब तक वैल्यू ना दिखाए। कितना आखिर तक आप गए? ये जो इस तरह लगे वाला, हाँ चलो ये भी चेक कर लो, समय बढ़ाते जाओ। अच्छा ये मोहम्मद ताहिर, ये जो इस तरह लगा है याद रखना, ये जो इस तरह लगा है ये वाला, हाँ ये वाला चेक कर लो, सबसे जीरो इसे को लेकर लो, सही कंफर्म करना चाहिए ना। बर्दी वालों ने तो दिया है लेकिन हमें बर्दी वालों पे भी अक्सर यकीन नहीं होता भाई, हार्डवेयर सोल्यूशन पे। स्कीमेटिक्स भी तो होता है लेकिन हार्डवेयर सोल्यूशन पे हमें यकीन नहीं होता। स्कीमेटिक्स इंजीनियर बना के इनको देते हैं और इसको निकालोगे ना हेड गन के जरिए, और फिर क्या करना है वहाँ पे आपने लगाना है। मैं थोड़ा सा इनको मसरूफ रख लेता हूँ। लगा लिया, हाँ ये थोड़ा सा जूम करो ताकि कैमरा में सही नजर आए। कैमरा में देखो ये दोनों लाइन, इस लाइन पे हमने वोल्टेज क्या करने हैं, इंजेक्ट करने, क्लियर करो। इसमें ऊपर वाले लाइन में मसला था ना, सही है, ऊपर हाँ इसमें वोल्टेज आ रहे थे, इन दोनों को हम शॉर्ट भी कर सकते थे आपस में, सही। फिर क्या होगा, डाटा ट्रांसफर वगैरह का इशू हो सकता, लेकिन इसको हमने फुल अप कर लिया। फुल अप हम जब मोबाइल में देखते हैं तो इंजीनियर खुद ही बहुत सारे जगह पे फुल अप लाइन के करते हैं, तो हमने इंजीनियर वाला फार्मा उठा के यहाँ पे एक 2.2 के रजिस्टर लगा के इसको यह कर लिया, फुल अप कर लिया। अभी देखते हैं, देख लिया, अभी यहाँ पे कैमरा फोकस करो, अभी देखते हैं कि जो हमारा मसला है ये फोन, ये देखो ये जम्पर इन्होंने लगा लिया। अभी देखते हैं कि हमारा जना फास्ट चार्जिंग पे जा रहे हैं और वो मसला हल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आगे हम क्या करेंगे, डीसी टू डीसी पे काम करेंगे। अगर इन्होंने डाटा ट्रांसफर नहीं करना है तो सिंपल से इन दोनों को आपस में जम्पर दे दो मुझे एक, हाँ देखते हैं। पहले आप इस तरह पकड़ो मोहम्मद ताहिर इनके सामने, क्योंकि ये सामने में आऊंगा तो फिर ये आएंगे। पहले देखते हैं येलो वाला निशान जाता है कि नहीं, आन इसलिए हो गया ना क्योंकि हमने बैटरी बाद में लगाई और इसको पहले लगा लिया, तो लाजिमी बात है कि फोन हमारा क्या हो जाएगा, आन, सही है। जब वो आप वो चार्जर पहले लगाओगे ना इन फोनों में, ट्राई कर लो, और क्या बाद में लगाओगे बैटरी, तो ये फोन आपका हो जाएगा। मोहम्मद ताहिर पकड़ो इसका और इनके सामने इसको लगा लो, अगर आन हो रहे हैं तो फिर हम इसको रजिस्टर को क्या करेंगे, हटाएंगे। 0.7 और चार्जिंग का लो, अभी भी फास्ट चार्जिंग पे नहीं गया, देखते हैं चार्जिंग का लो भी अभी तक नहीं आया। नहीं वो नीचे वाला निशान क्या हो गया, एरर गायब हो गया, नहीं लेकिन एक मसला अभी भी क्या है, 0.7 नहीं, क्विक पे नहीं, वो पोर्ट चेंज कर लो एक, मतलब समा देखते नहीं, पोर्ट चेंज कर लो 1.37 1.6 और निशान देखते 1.6 एक मिनट, निशान निशान 1.6 ट्राई किया गया, सक्सेस हो गया। बस तो देखो ये हमारे स्मार्ट चार्जर में थोड़ा सा मसला आया, क्योंकि अजब होता है इसको बहुत सारी दफा हमने इसकी आपको पता है कि इस बेचारे में कितना लोड है, सही है, इस बेचारे में कितना लोड है, 50-60 लोग हैं और हर एक के पास अलग अलग मोबाइल है, और पूरा दिन ये बेचारा क्या होता है, दिन क्या रात को भी इंस्टीट्यूट खुला होता है ना, आप लोग परगड़ास करते रहते हो, सही है। तो इसमें कुछ स्पोर्ट्स में मसला आ गया है, ये बाकी फोन में मैंने देखा, लेकिन ये अभी हमारा फोन जो है ना फास्ट चार्जिंग पे भी चला गया, और दूसरा क्या हो गया, वो लोगों भी हमारा खत्म हो गया, और कंप्यूटर के साथ लगाएंगे इंशाल्लाह डेटा भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो मजा आया, बहुत मजा आया सर। इस तरह पहले कभी ट्राई की थी? नहीं सर, कभी भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। हाँ देखो यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग है इसको कॉपी करके जो है ना वो ट्राई कर लेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो गया और क्यों नहीं। अभी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी खुशी हुई कि आप लोगों से पूछा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फिट कर सकते हैं, और आप लोगों ने बता दिया, क्योंकि एक चीज़ को आपने डीप ने कह कर लिया, समझ लिया, तो मज़ा आया।
मोहतार भाई आगे खुश हो? बहुत खुश। आप बहुत ज्यादा जो है ना क्या कर रहे हो, मुशक्कत बर्दाश्त कर रहे हो। अभी भी अक्सर आपको देख के जो है ना, देखो अपने स्टूडेंट को मैं जब मैं आपको सच के आपके दिल का बात बता रहा हूँ, मैं अक्सर रात में यहाँ से जाता हूँ ना तो अपने स्टूडेंट को देखता हूँ, वो होटल पे बैठे खाने खा रहे होते, तो मुझे भी जो है ना क्या आदमी क्या हो जाते हैं। हाँ कि देखो ये इन्होंने अपना घर छोड़ा है, घर का खाना छोड़ा है, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अपना आपका जो टाइम है वो किसी चीज़ में ज़ाया ना हो। सही है, मुझे यही है, आप लोगों ने इतना कुर्बानी और दिल से दुआई भी निकल दे कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, ये जो आप कुर्बानी दे रहे हो इसको कबूल कर ले। अच्छा मोहतर खुश हो? सर खुश हूँ, आपके ये अल्फाज जो हमारे लिए मरम है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।